लेक्चर में हमने देखा कि कितने टाइप्स का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। चार्ट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था कि कितने टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं। तो आज जो लेक्चर है हमारा वो एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारे रीजंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है? देखो, पहली बात तो ये है कि स्टोकियोमेट्रिक किसका पार्ट था, किस डिफेक्ट का पार्ट था, तो पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट, ठीक है। तो पॉइंट हम सिंपली कह सकते हैं कि दीज आर पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। यानी क्या होगा, ये एक ऐसा पॉइंट डिफेक्ट है जिसमें सॉलिड की स्टोकियोमेट्री क्या होगी, डिस्टर्ब नहीं। और ये जो होता है इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ेगा, यानी टेम्परेचर जो होगा वो इफेक्ट करेगा इस कंडीशन। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि स्टोकियोमेट्री जो डिफेक्ट था वो फोर पार्ट में डिवाइड हो रहा था। फर्स्ट था आपका वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड था इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, थर्ड था शॉटकी डिफेक्ट एंड फोर्थ था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, एक चीज और हमने डिस्कस की थी कि जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है या फिर आपका इंटरस्टीशियल डिफेक्ट जो होता है वो नॉन आयनिक कंपाउंड शो करेंगे, यानी वो ऐसे सॉलिड होंगे जो नॉन आयनिक होंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं कोई भी सॉलिड होगा तो नाम से ही पता चलता है डिफेक्ट किसकी वजह से आएगा, वैकेंसी, यानी जो आपका लैटिस उसमें जो आपका सॉलिड होगा, जो अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल होगा वो अपने लैटिस साइट, एक जो लैटिस साइट होगा, जो भी लैटिस साइट होगा उसमें वैकेंसी आ जाएगी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वह वहां से गायब हो जाएंगे, वैकेंस कर देंगे। यानी सिंपली अगर हम देखते हैं कि कोई ये आपका है, ठीक है, सॉलिड, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे अरेंज है पर्टिकुलर डिसिप्लिन ऑर्डर में, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे ही अरेंज है, होगा क्या इस कंडीशन में, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना स्पेस छोड़ के चला जाएगा बाहर, और जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैटिस साइट जो होगी वो वैकेंट आ जाएगी। यानी किसकी वजह से डिफेक्ट आ रहा है, वैकेंसी की वजह से आ रहा है, लैटिस साइट क्या हो रहा है, वैकेंट हो जा रहा है। तो दैट डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। और इसमें एक चीज देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर चला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल छोड़ दिया, अपना स्पेस ही छोड़ दिया, तो इसके इसमें क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज, जब साइट ही छोड़ दिया अपना तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, इसकी डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें वो डिफेक्ट जिसमें क्या हो जाएगा, लैटिस साइट जो होगा वो वैकेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब वहां जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा स्पेस जब छोड़ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और ये कैसा कंपाउंड शो करेगा, नॉन आयनिक कंपाउंड शो करेगा। सेकेंड देखते हैं हम इंटर स्टीशियल डिफेक्ट, ठीक है। अगर इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट का मतलब होता है इंटरस्टी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो अपना स्पेस, जो उसकी पोजीशन होगी, उस पोजीशन को छोड़ के जो खाली जगह है उस सॉलिड में वहां वो शिफ्ट हो जाएगा, इंटरस्टीशियल साइड पे जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, तो अपना पोजीशन छोड़ के कहीं और चला गया, सेकेंड स्पेस पे चला गया, इंटरस्टीशियल साइड पे चला गया, तो दैट डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज ये आपका कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड दे रखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, ये इधर आपका इंटरस्टीशियल साइट है, तो ये क्या करेगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा अपना स्पेस छोड़ देगा और इंटरस्टीशियल साइट पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरस्टीशियल साइड पे शिफ्ट होने की वजह से जो डिफेक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। अच्छा, एक चीज देखो, इससे ये जो सॉलिड है हमारा इससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर नहीं जा रहा, तो इस कंडीशन में डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी ना तो डिक्रीज करेगी और ना ही क्या होगा, इंक्रीज करेगी, यानी डेंसिटी क्या होगी, रिमेन कॉन्स्टेंट होगी, जो डेंसिटी थी वही डेंसिटी उसकी, ठीक है। तो ये दो है, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों नॉन आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, यानी वो कंपाउंड जो आयनिक नहीं होंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड ही वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट को शो करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी
तो थर्ड देखते हैं हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट होते हैं और जो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा वो कैसे कंपाउंड शो करेंगे, जो आयनिक होंगे, यानी आयनिक कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, आयंस होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा शॉर्ट की डिफेक्ट में, इसमें अगर हम सपोज अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंज होगा, एक आपका सपोज ये माइनस है तो दूसरा क्या होगा पॉजिटिव होगा, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, पहले ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कौन से जो शॉर्ट के डिफेक्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे आयंस होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि शॉर्ट के डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे क्रिस्टल से। ठीक है, यानी शॉर्ट के डिफेक्ट वो आयनिक कंपाउंड शो करेंगे, यानी वो इस डिफेक्ट में क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे, कहाँ से रिमूव हो जाएंगे क्रिस्टल से। ठीक है, इस क्रिस्ट में क्या क्रिस्टल जो होगा कैटायन और एनायन जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे जब क्रिस्टल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा सपोज एक इक्वल नंबर मैंने बोला है तो इक्वल सपोज ये यहाँ से कैटायन गायब हो गया और यहाँ से मैंने कहा एनायन गायब। ठीक है, तो अब इस पे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो डेंसिटी इस कंडीशन में क्या हो जाएगी कैटायन और एनायन रिमूव हो गए क्रिस्टल से, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज कर दी जाएगी। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट के डिफेक्ट होगा किस तरह के कंपाउंड शो करेंगे, तो आयनिक कंपाउंड शो करेंगे। इस डिफेक्ट में क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे क्रिस्टल से, तो जब रिमूव हो जाएंगे तो इस कंडीशन में डेंसिटी पे क्या होगा डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप सिंपली बोल सकते हो सोडियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया आपका एक्सेट्रा, ये जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होगा आपका शॉर्ट के डिफेक्ट को शो करेंगे। अब नेक्स्ट एक लास्ट बच गया है दैट इज कॉल्ड अ फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको हम देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा ये भी आपका किसमें होगा आयनिक कंपाउंड में होगा। इसमें क्या होगा अब इस मेन इसमें देख रहे आयनिक कंपाउंड तो मैंने बोल दिया, शॉर्ट के डिफेक्ट में बोला कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होगा रिमूव हो जाएगा क्रिस्टल से, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट, एक चीज पहले और जानो, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, यानी जो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा इसको हम किस नेम से और जान सकते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसमें आयनिक कंपाउंड है तो यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे आयंस होंगे, एक पॉजिटिव एक कैटायन होगा दूसरा एनायन होगा। इसमें होगा क्या, यहां से जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो यार कोई भी एक चाहे कैटायन या फिर एनायन, यूजुअली कैटायन ही करता है, अपना प्लेस छोड़कर इंटरस्टीशियल साइड पे जाकर के शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, या तो कैटायन या फिर एनायन, यूजुअली कैटायन अपना प्लेस छोड़ता है तो ये क्या करेगा अपना प्लेस छोड़ करके इंटरस्टीशियल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं अगर हम फिगर के थ्रू देखें, आयनिक कंपाउंड है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव ये आयंस हमारे हैं। ठीक है, ये हमारा दे रखा है आयनिक कंपाउंड है। अब मैंने कहा कि कैटायन या फिर एनायन, यूजुअली कैटायन जो होता है अपना प्लेस छोड़ करके इंटरस्टीशियल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर सपोज करो ये कैटायन है तो ये क्या करेगा अपना स्पेस छोड़ा और इंटरस्टीशियल साइड पे, या फिर यहां मैं लिख देती हूँ इंटरस्टीशियल साइड पे जाकर के शिफ्ट हो गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम फ्रैंकल डिफेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कैटायन या फिर एनायन, मैंने बोला यूजुअली कैटायन जो होगा अपना प्लेस छोड़कर इंटरस्टीशियल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, बाहर नहीं जा रहा है, और जब वो बाहर नहीं जा रहा है तो उसकी डेंसिटी पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उसकी डेंसिटी रिमेन रहेगी सेम रहेगी जैसी थी वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा
कैटायन या फिर एनायन अपना प्लेस छोड़ करके इंटरस्टीशियल साइट पे जा करके शिफ्ट हो जाएगा और इस कंडीशन में डेंसिटी पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगी, जैसे डेंसिटी थी वैसे ही रहे। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा, दैट इज द एग्जांपल। एक चीज और देखो, मैंने शॉर्ट के डिफेक्ट में भी सिल्वर जो सिल्वर ब्रोमाइड का नाम लिया था और फ्रैंकल में भी दिया, तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है वो शॉर्ट के डिफेक्ट को भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट को भी शो करता है, ठीक है। तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा आयनिक सॉलिड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को दोनों को शो करता है, दैट इज कॉल्ड अ सिल्वर ब्रोमाइड। फिर से समझ लो शॉर्टकी और फ्रैंकल में क्या डिफरेंस होता है। शॉर्टकी जो होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो होते हैं वो अपने क्रिस्टल से रिमूव हो जाते हैं, जिससे डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन या फिर एनायन, यूजुअली कैटायन जो होता है वो अपना प्लेस छोड़ करके इंटरस्टीशियल साइड पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे उसकी डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट के डिफेक्ट में अगर देखा जाए तो जो कैटायन और जो एनायन जो होता है उसकी अगर हम साइज की बात करें, साइज ऑफ कैटायन इज सिमिलर टू द साइज ऑफ एनायन। शॉर्ट के डिफेक्ट में बात करें, शॉर्ट के डिफेक्ट में साइज ऑफ कैटायन इज सिमिलर टू द साइज ऑफ एनायन। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, एनायन का जो साइज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जो शॉर्ट के डिफेक्ट जो होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हाई होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये मैंने आज आपको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।